देखिए ये इतना बड़ा पक्षी है, आप इसका ये विंग देखेंगे तो आपको समझ आएगा इसके साथ क्या हुआ है। कितना शानदार बड़ा सारा विंग है, पूरा हेल्दी बर्ड है, पूरा मैच्योर पक्षी है। और अब आपको मैं इसका ये विंग दिखाता हूँ, ये देखें, ये विंग पूरी तरह से कट गया है, पूरा पंख कट के अलग हो गया है, उल्टा हो गया है। देखिए आप, ये इस तरह हो गया है इसका। और ये सिर्फ मांझे के कारण हुआ है। लोग ये सोचते हैं कि मांझे से केवल कबूतर कटते हैं, छोटे पक्षी कटते हैं। देखिए ये कई दिनों से इस मांझे से पेड़ पर लटका हुआ था, लोगों की नज़र पड़ी, दो दिन तीन दिन ये बेचारा लटका रहा, इसका मांझा काट के लोगों ने निकाला। अब आप देखें इसके पस पड़ा हुआ है और इसके डीप इंजरी हो रही है। हम ये केवल इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये सुंदर पक्षी, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली बर्ड्स हैं, ये आपके ऐसे जीवों को खाते हैं जो इन्फेक्शन फैलाते हैं, उसके कारण आपके एनवायरनमेंट की रक्षा करते हैं, आपके इस पृथ्वी, आपके प्लानेट को साफ सुथरा रखते हैं। हम अपनी छोटी छोटी गलतियों के कारण से ऐसे जीवों को समाप्त करते जा रहे हैं। एक तो हम लोग आजकल चूहे का जहर देख की गोलियां देते हैं, चूहा मर जाता है, हम उसको थ्रो कर देते हैं। वो मरा हुआ चूहा, इनको नहीं पता कि उसने जहर खा के मरा, ये उसको खाते हैं और इसके इनके शरीर में पॉइजन होता है। हमारे बिजली के तार, जो चीज़ें हैं, ये देखिए अब ये इसका पंख, ऐसे इतने रीजंस हो गए इनके लिए पेड़ नहीं बचे हैं। मैं आपको निवेदन करूँगा, सच में अगर एनवायरनमेंट बचाना है तो सेमिनार करना, बातें करना, वृक्षारोपण की न्यूज़ लगवाना, फेसबुक पर स्टेटस डालना, ये डालना, ये कोई सबसे बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम है कि हम लोगों को इन पक्षियों को बचाना होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि अब ये पक्षी ठीक से उड़ पाए। एक बार आप इसका इंजरी ज़रूर देखिए ताकि आपको पता हो इसके पंख की क्या हालत हुई है। ये देखिए इसके पंख की ये हालत हो चुकी है, पूरा यहाँ से इस जगह से डिस्कनेक्ट हो गया है। अब इसका क्या जीवन रहेगा, कैसे रहेगा, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इससे प्रेरणा लें और कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे पक्षियों को कोई नुकसान हो।